भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। गर्मियां शुरू होते ही नूरपुर उपमंडल में पानी की किल्लत से लोग परेशान होने लगे हैं। उपमंडल की हडल पंचायत के कपाड़ी गांव के लोग पिछले 10 दिनों से बिना पानी के गुजारा कर रहे हैं। विभाग के कर्मचारियों को गांव के लोगों ने शिकायत भी सौंपी, लेकिन कर्मचारी इन्हें सम्मान न होने की बात कहकर समस्या को अनदेखा कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से वे वैसे ही घर से नहीं निकल सकते, ऊपर से बिना पानी के इन्हें और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कपाड़ी गांव के रणजीत सिंह ने बताया कि पिछले 10 दिनों से उनके गांव में पानी नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि विभाग के कर्मचारी को समस्या के बारे में बताया, लेकिन वो भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने बताया कि गांव में 70-80 के करीब लोग हैं जो एक ही बावड़ी से पानी भरते हैं, और ऐसे में इनके हिस्से सिर्फ एक ही बाल्टी पानी की आती है। गांव की रहने वाली सपना ने बताया कि बिना पानी के उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें पीने के लिए पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। इनका कहना है कि पिछले 10 दिनों से ये समस्या आ रही है, लेकिन कोई भी कर्मचारी इसकी सुध नहीं ले रहा। ग्रामीण रमन सिंह का भी यही कहना था कि गांव में पानी की आपूर्ति न होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस बावड़ी से लोग इस समय पानी भर रहे हैं, वो भी सूखने की कगार पर है। ऐसे में बिना पानी के लोग कैसे गुजर बसर करेंगे। ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि जल्द गांव में पानी की आपूर्ति बहाल की जाए। वहीं जब एसडीओ जल शक्ति विभाग नूरपुर देवेंद्र राणा से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि गांव में पाइप डाल दी गई है और जल्द ही गांव वालों की पानी की समस्या का दूर कर दिया जाएगा। मेरा नाम रमन सिंह है और मेरा गांव कपाड़ी है, जो हमारी पानी की समस्या है। तो फीटर बोल रहे थे कि पहले जो हमने इस लाइन के बारे में बताया था, तो उन्होंने फसल का बहाना लगाकर ऐसे ही हमारे को गुमराह किया। उसके बाद जो ये है, अभी हमारे को 5 तारीख के इस लाइन का कनेक्शन हुआ है, तो उसके बाद जो है हमारे आज तक कनेक्शन नहीं हुए। मेरी एसडीओ से भी बात हुई और फीटरों से भी बात हुई, फीटर बोलते हैं अपना सामान लाओ। अभी सोशल जैसे कोविड का चल रहा है, तो उसमें बोल रहे हैं कि हार्डवेयर की दुकानें बंद होंगी। अभी बोल रहे हैं हमारे को सामान ला कर दो, हम कहाँ से सामान लेकर आए। जब हम फिट अभी आज प्रेस वाले आने वाले थे, तो फीटर बोल रहे हैं हम आज आपको कनेक्शन कर देते हैं। नाम सपना है, मैं गांव कपाड़ी से हूँ। यहाँ पानी की बहुत समस्या है, यहाँ कितने लगातार 10 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है, और बावड़ियाँ भी सूखी पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी हमें पानी नहीं मिल रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे कहाँ से पानी लाएं। पानी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, पीने के लिए भी नहीं पानी मिल रहा है। और सारे जहाँ से कम 25-20 लोग हैं जो एक ही बावड़ी से पानी भरते हैं, वो भी खाली हो गई है। सुबह हम सुबह ही गए थे, सुबह हमने इसमें पिक भी अपलोड की है, वो सुबह से ही खाली पड़ी हुई है। तो हमें बताओ हम कहाँ जाएं। हमने कितनी बार उनको भी बोला फीटर वगैरह, तो बोल रहे आज 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 करते, कितना टाइम हो गया और पानी नहीं आ रहा है। और हम पानी से बहुत परेशान हैं। हमारी यही वो आग्रह है प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी पानी जो है, पानी की कमी पूरी करें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में तो पानी ज़्यादा लगता ही है। तो हमारी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या को। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं टीका कपाड़ी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर बड़े दिनों से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, जिसके कारण कि हमने कई बार फिटर को भी ये बात बोल रखी है कि यहाँ पानी की समस्या आ रही है, तो वो आज और कल कल करके बोरे पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। लगातार यहाँ पे 10 से 12 दिन हो गए देखते हुए, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यदि हम नीचे बोली पे पानी लेने जाते हैं, तो वहाँ पे भी कुल मिला के यहाँ पे 70-80 लोग होंगे जो एक ही बोली से पानी लेते हैं, तो बोली बिल्कुल नीचे डोन में चली गई है, जिसकी हमने फ़ोटो वगैरह भी खींची हुई है। तो छोटे बर्तन से पानी उसमें भरना पड़ता है, बाल्टी में। तो यदि मतलब एक एक बाल्टी भी घर को लेके आए, तो भी पानी पूरा नहीं होता है। और हमने फिटर वगैरह को आज भी ये बात बोली है, जैसे उनको इस बात का पता चला कि प्रेस वालों से हमने बात करी है, वो आ रहे हैं यहाँ पे मौके पे देखने, तो वो हमें बोल रहे थे कि हम अभी आपका कनेक्शन करवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आप सामान लेके आओ। यदि सामान की बात आती है, तो हम सामान कहाँ से लेके आए इस टाइम पे। इस टाइम तो मार्केटें भी वगैरह, हार्डवेयर की दुकानें सब बंद पड़ी हुई हैं,
जिसके कारण कि हम सामान तो ले सकते नहीं। यदि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो हमें पहले बता देते, कनेक्शन चेंज करने से पहले बता देते कि ये समस्या आने वाली है और आने वाले टाइम में आपको सामान लेके रखना है, तो हम सामान लेके रख लेते। उन्होंने हमें कुछ भी क्लियर नहीं बताया है और आज लगातार इस नई जो लाइन चली है इसमें पानी आ रहा था कंटिन्यू, कहीं से पानी लीकेज हो रहा है, कहीं पानी आ गई, लास्ट में जो मकान पड़ते हैं वहाँ पर पानी जा रहा है और यहाँ पे हमारे घर तक तो बिल्कुल भी एक भी बूंद पानी की नहीं है, जो कि आप मौके पे इस चीज़ को देख रखा है कि पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो मैं ये प्रशासन से यही बोलना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस पानी की समस्या को दूर किया जाए, जिससे कि जहाँ पे गांव वाले और जो भी बुजुर्ग बच्चे जैसे भी हैं सबको पानी की। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।